सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। विराट के DRS लेने पर विराट के पास जाकर रबाडा ने फिर की शर्मनाक हरकत। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 6 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला केप टाउन के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा था। हो रहे इस रोमांचक मुकाबले में एक तरफ जहां टीम इंडिया लगातार 2 वनडे मैच में जीत हासिल करने के बाद इस मैच में जीत हासिल कर अफ्रीकन सरजमी पर जीत की हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाया। मैच के दौरान उस वक्त एक अजीबोगरीब वाकया घटा जब भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजी के क्रीज पर मौजूद थे। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद के दौरान जब साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने बल्लेबाज विराट कोहली को फेंकी, तेज गति से आती हुई गेंद बल्लेबाज को छकाती हुई पैड पर जा लगी, जिसके बाद साउथ अफ्रीका के फील्डर सहित गेंदबाज ने जोरदार अपील की और अंपायर ने उंगली उठाकर आउट करा दिया। जब रबाडा जाकर कोहली से कहा कुछ ऐसा, अंपायर द्वारा दिए गए आउट के बाद कोहली हतप्रभ रह गए और उन्होंने इसके खिलाफ रिव्यू की मांग कर दी। हालांकि इसी दौरान रबाडा कप्तान विराट कोहली के पास आकर उनसे कुछ कहा, जिसके बाद कोहली भी कुछ जवाब देते हुए नजर आए। भारतीय पारी की शुरुआती ओवर में ही साउथ अफ्रीका के गेंदबाज रबाडा और विराट कोहली के बीच में नोकझोंक चल रही थी। डॉट इसी बीच रबाडा ने कोहली को एक गेंद टांग पर भी मारी थी, डॉट जिसका बदला विराट कोहली ने पारी के आखिरी 2 गेंदों में ले लिया। उन्होंने रबाडा की एक गेंद पर एक तूफानी छक्का जड़ा जो भारतीय पारी का सबसे बड़ा छक्का था। यह छक्का देखकर रबाडा का भी मुंह बंद हो गया और भारतीय पारी का स्कोर 303 रन पर 6 विकेट हो गया। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।